हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने आया है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में, जो सिचुएटेड है। मेमोरियल हॉल का आज हमने एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम गेट के सामने खड़े हैं, गेट के थोड़ा सा ही अंदर आ रहा है और इसके उल्टा साइड में जो है SSKM हॉस्पिटल है। आपको आना है खावड़ा सियालदा, कहीं जगह से आप आइए तो साकास एवेन्यू और आचार्य जगह जस्ट अंडर रोड, इसमें आना है। पूरा वीडियो देखिए, इस वीडियो का लास्ट में विक्टोरिया का रात का व्यू जो है तो देखने को मिलेगा। धीरे धीरे हमने टिकट काउंटर के सामने आ गया और टिकट में बहुत सारा लाइन है तो इसमें वेट करना पड़ेगा। अभी ऐसे नॉर्मल डे में तो उतना भीड़ नहीं रहता है, तो दिसंबर महीना चल रहा है तो इसमें भीड़ ज़्यादा है। इंडियन सिटीजनशिप के लिए टिकट फेयर है 20 रुपया एंट्री फी और 10 रुपया जो है म्यूज़ियम का। एक साथ में आप 30 रुपीज़ दे के ले सकते हो और सार्क कंट्री के लिए अलग से रूल है, फॉरेनर के लिए अलग से है। ये रहा टिकट, अभी हमने अंदर जा रहा है। इसको बनाया था लॉर्ड कार्जन ने और ये अभी कोलकाता का एक लैंडमार्क है। ये क्वीन विक्टोरिया को डेडिकेटेड किया गया है। रास्ता जो है बहुत ही अच्छा है इसका मेंटेनेंस, और गार्डन जो है बहुत ही अच्छा है। हमें एक तालाब है और इसमें फोटोग्राफी बहुत अच्छा आता है। हम लोग धीरे धीरे इसके अंदर जा रहा है। गेट से कम 150 से 200 मीटर होगा इसका मेन जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसके अंदर। कोलकाता में शाम होने में 6 बज जाता है तो अभी हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसका नाइट व्यू देखने के लिए। विक्टोरिया मेमोरियल का जो म्यूजियम है वो इसके अंदर ही है और इसको क्या है, आपको गेट के अंदर से घुस के फिर इसको एकदम राउंड करके घूम के पीछे की तरफ से इसको म्यूजियम में एंट्री है और एक फाउंटेन भी है इसके साथ। महीना में स्कूल का विंटर वैकेशन चलता है और ऑफिस की भी छुट्टी रहता है तो इस टाइम में बहुत ही रश होता है। वॉशरूम टॉयलेट भी अवेलेबल है। हम धीरे धीरे म्यूजियम की तरफ जा रहा है। अभी शाम को 4 बज रहा है तो सनलाइट अभी कुछ ही देर में जाने वाला है तो हम लोग म्यूजियम घूम कर आते हैं और म्यूजियम 5 बजे तक ही खुला रहता है। विक्टोरिया के साथ नेशनल म्यूजियम, तारामंडल, ये सब भी आप देख सकते हो एक ही दिन में। विक्टोरिया के घूमने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगा, यहाँ पे बस टैक्सी सब मिल जाता है। कोलकाता सिटी से का हर कोने से आपको टैक्सी मिल जाएगा और बस भी मिल जाएगा। एसी बस भी चलता है, 10 से 20 रुपये का आपको फेयर लगेगा एसी बस में, 40 रुपये का फेयर। ओला, उबेर, रैपिडो अवेलेबल। इसका जो आर्किटेक्चर व्यू आप देख रहे हो कितना नज़ारा अच्छा है और ये ब्रिटिश इंडियन आर्किटेक्चर का एक नमूना है। पूरा बिल्डिंग जो है मार्बल पत्थर से बनाया गया है। ये उस टाइम में क्वीन विक्टोरिया को डेडिकेटेड किया गया था। अभी हम लोग म्यूजियम के तरफ जा रहा है। म्यूजियम का जो एंट्री है इसके सामने देखिए कितना सारा स्टैचू बना हुआ है और सामने गार्डन्स हैं। 6 साल से 1921 साल तक इसका कंस्ट्रक्शन चला। उस टाइम में 1.5 करोड़ रुपये खर्चा हुआ था। फिर एक बार टिकट का चेकिंग होता है क्योंकि आपने जो टिकट कटा है यहाँ पर म्यूजियम के लिए ये यहाँ दीदा चेक होता है। म्यूजियम के अंदर का ये दृश्य है। आर्किटेक्चर व्यू तो बहुत ही अच्छा है इसका। ये ग्राउंड फ्लोर का जो म्यूजियम है आप देख रहे हो, इसके ऊपर में भी एक फ्लोर है जिसमें भी आदमी जा सकता है। फेस्टिवल्स और कोई भी हॉलीडेज डे में बहुत ही विराश होता है इसके अंदर। लाइट एंड साउंड शो भी होता है शाम को 6 बजे से 7 बजे तक, बंगाली और इंग्लिश में दोनों भाषा में होता है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का हाइट है 56 मीटर और एक कम हाइट में देखिए एक पड़ी लगा हुआ है। ये पड़ी पहले घूमता था, अभी तो ये नहीं घूम रहा है। अभी इवनिंग हो रहा है तो धीरे धीरे लाइट चालू होने लगा। पूरा घूमने में 1 घंटा टाइम लग सकता है और इसके अंदर पानी का बोतल और बैग अलाउ है और इसके अंदर पिकनिक तो नॉट अलाउड है, लेकिन कुछ खाना बना के आप लेके वहाँ जाकर खा सकते हैं। इतना अच्छा नज़ारा है। देखिए ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का सामने जो गार्डन है उसका नज़ारा, उसमें लाइटिंग किया गया है और वो गार्डन के सामने से विक्टोरिया को देखिए कितना अच्छा लग रहा है। विक्टोरिया मेमोरियल सुबह 10 बजे ओपन होता है और शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। ज़्यादा रश हुआ है दिसंबर महीने में इसलिए शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। अभी शाम को 6 बजे है तो हम लोग को जाना पड़ेगा। और ये अभी देख लो पार्क स्ट्रीट जाने का लाइटिंग है, क्रिसमस फेस्टिवल के लिए इसको स्पेशल सजाया गया है। वीडियो ठीक लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।